रुद्रकुंड ऊपर से जितना खूबसूरत दिखता है ना, अंदर से उतना ही घिनौना है। ये कांड तो किसी इंसान का नहीं लग रहा। किसने किया? मसान वापस आ चुका है। चलिए मेहुल के कुछ करीबी दोस्तों से मिलवा दीजिए। Myself, रत्ना संखावर, DSP रुद्रकुंड। तीनों मेहुल को बुली कर देते, the entire school knows about it. और सुनो अमर अकबर एंथनी, आपसे डॉर्म्स में ही रहना क्योंकि मैं रोज आने वाली हूँ। ज्यादा इमोशनल नहीं हो रहे इनके मेंटोर सर, इन पे नजर रखिएगा। पैकेट भी गया, मेहुल इज डेड टू। व्हाइट रैबिट और पुलिस दोनों हमारी गार्ड मान लेंगे। मेहुल अवस्थी को तूने मारा? कौन अवस्थी? रुद्रकुंड में कैंडीज में ड्रग्स मिलाकर बच्चों को खिलाया जा रहा है। जो लोग कैंडी खा के जंगल में जाते हैं, मसान उन पे अटैक करता है। मसान और कैंडी, ये दोनों लिंक्ड है, और मेहुल का मर्डर का भी रिलेशन है इन दोनों के साथ। ये लीजिए एविडेंस, देख लीजिए एक बार, सब कुछ साफ हो जाएगा। भरोसा कर रहा हूँ आप पर, तोड़ना मत। We just need to stay shut and nobody will find out anything, ठीक है? कांड फैल रहा है। आपके पुलिस स्टेशन पर मनी रनआउट का झंडा लहरा रहा है। I'm proud of you. मुझे लगा था ये राज दुनिया के सामने लाना मेरी जिम्मेदारी है, but it doesn't matter anymore. क्योंकि ये शहर में सबके अपने सीक्रेट्स हैं। सच है कि इन घने पहाड़ों में एक हैवान रहता है। मसान इज रियल संजू। मसान इज जस्ट अ स्केरी स्टोरी फॉर द विलेजर्स, नथिंग एल्स। ये मसान जो भी है, इंसान, जानवर, हैवान, आई विल फाइंड इट एंड आई विल फिनिश इट। अरे कुछ नहीं, अपने मुकुल का IIT में एडमिशन हो गया है। बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, तरक्की करो बेटा, खूब तरक्की करो बेटा। स्कूल का सबसे हरामी बैक बेंचर पर IIT 16-16 घंटे रोज पढ़ता था, रॉक स्टार है अब अपने स्कूल का। तेरे पापा शॉप थोड़े चलाते हैं, वो तो माली है, रोज हमारे लिए पैसों के पेड़ से नोट तोड़ कर ले आते हैं। यस सर। लास्ट वार्निंग है ये, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपनी लाइफ के साथ कुछ अच्छा करो, वरना तुम्हारी कोचिंग भी बंद करवा दूंगा और 12वीं के बाद दुकान संभालना। कम से कम अपना पेट तो पाल पाओगे। आई कैन डू दिस। जेई क्रैक होगा, माय लाइफ विल बी चेंज्ड। इंटीग्रल्स तो बहुत हार्ड है यार। अरे प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। देखो ब्राइट स्टूडेंट, बस थोड़ा भटक गए। अमल स्टॉप लुकिंग अराउंड। उन दिनों जब मेरे नैन खुले थी सुबह पर, जैसे रहन लगे चाहे दिल में भरा हो गम। तो स्टूडेंट केवल 20 दिन बचे हुए हैं। खेल कूद से मेरी राहें मुड़ चली, रातों को मेरी नींद उड़ चली, चाहे दिल में भरा हो गम, किसी ना किसी तरह तो बढ़ ही लेंगे हम। So what did you say this is for? I mean, who's really interested in listening to a separating couple talk about marriage? Everyone. Did you even hear a word of what I said? Yeah. Then why couldn't you respond? What do you want me to do? Actually, yes. I'm a man. We're not evolved enough to make fake sounds. All I'm asking you is to show me that you heard me. You know, somehow this sounds like marriage. So what did I miss? Vicky, life is just so perfect in this moment. I'll die in your arms tonight. I don't like guys like him in the first place. You know, when I was his age, most of the girls I was interested in didn't even know that. I know.
You know, I think the validity of marriage should be 10 years max. Men can never be happy in it. Are you ready to lose her? What do you mean lose her? A young hot guy with long flowing hair having... So I was just wondering about the ground rule. Like, can we see other people? I see your point. Notes to self. Loneliness is not the scarcity of people. Loneliness is when hot people don't want to be with you. I feel like I don't know my mama papa anymore. They make sense only together, right? Most marriages might be happier than couples, remember? Are you happy? I don't know. People's lives are so small. It just takes a month of good marriage to know the whole story. We had more than a month of good times. Yeah. 8 years. Matlab, actually you've fallen out of love with your husband and yet you are going to stay in the same house under the same roof for the sake of the child. But that's called marriage. हम मिडिल क्लास वालों की तो आदत है ना सपने पूरे होने से पहले उन्हें जी लेने की नाश्ता कहाँ गया यार अरे वाह पोहा फिर से पोहा इस घर में अंडा क्यों नहीं बनता पता नहीं कौन से गरीब खानदान में पैदा हो गया हूँ मैं क्या बोला ये ठंड रखो ना जिस दिन मैं बड़ा सिंगर बन गया ना सिर्फ ऑमलेट खाऊंगा अरे मनोज तिवारी है क्या आप ठंड रखो बर्फ चबा लूं गर्मी में गोवा कौन जाता है वैसे ठंड में जाना क्योंकि ठंड में फिर रोंगटे खड़े होते कॉफी पीते पीते वेट करें औकात में रहो दिल से बुरा लगता है भाई आप इस टुच्चे से ऑफिस में क्या करेंगे इस नौकरी के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है तो फिर आप ये लॉटरी ले लो पापा पापा आई एम सॉरी 11 करोड़ की लॉटरी लगी है बताओ इन्हें सब कुछ तो खो चुका है पता कैसे चलेगा किसने किया है तू रुक मैं कुछ करती हूँ अभी मुझे सारी जिंदगी काम करना है बेटा बताओ इतना पॉजिटिव होना ठीक नहीं है बक रहा हगने बैठेगा तो पिछवाड़े में से टट्टी की जगह प्राण निकल जाए क्या पता आप लोगों की लॉटरी क्या लगी पूरे एरिया की किस्मत ही बदल मेरे बेटे का कॉलेज में एडमिशन करा दूंगी मेरी बेटी की शादी करा देंगे करा दूंगी और हनीमून अब कहां अब तो घुटने चटकते रहते हैं तुम कहां ढिंढोरा पीट रहे हो सब जगह ढिंढोरा अबे अंकल अरे तुम्हारे 3 o'clock पे खड़ा है उल्टी घड़ी पहनते हो क्या भोसड़ी वालों वो रहा मुझे सख्त नफरत है ऐसे लोगों से जो बहुत जल्दी पैसे कमा लेते हैं क्या दुश्मनी है तेरी टिकटॉक वालों से